एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं और पुरुष लगभग एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं। एक समय पर यह देश फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था। ये देश दुनिया के दो तिहाई से भी ज्यादा वनीला फील्ड्स का घर है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि है अफ्रीका का खूबसूरत देश मेडागास्कर। चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश मेडागास्कर की सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस देश की कुल जनसंख्या 2,80,00,000 के आसपास है। आबादी के मामले में ये देश दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 51वें नंबर पर आता है। इस देश की राजधानी का नाम है एंटानानारिवो और यहाँ पर आपको लाइफ दूसरे जगह से अलग ही मिलेगी। ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ पर आपको शाम का नजारा अलग किस्म का दिखता है। इस शहर में खुले आम लोग पार्टी करते हैं और शाम होते होते यहाँ का माहौल भी पार्टी टाइम जैसा हो ही जाता है। मेडागास्कर को 1960 में आजादी मिली, उससे पहले वो फ्रांस का गुलाम था। आजादी तो मिल गई, लेकिन आज भी इस देश में फ्रेंच का प्रभाव साफ साफ नजर आता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस देश में जिसे देखकर लगता है कि फ्रेंच का ही हुकूमत है आज भी। यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोग, सबके ऊपर फ्रेंच का प्रभाव है। मेडागास्कर सैकड़ों साल पहले अफ्रीका से अलग हो चुका है। यही वजह है कि इस द्वीप पर पाए जाने वाले ज्यादातर पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस देश को पहले मेडागास्कर नाम से जाना जाता था। इस द्वीप पर रहने वाले लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये लोग बोर्नियो द्वीप से आए हैं जो अब ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच विभाजित है। शायद ही आपको इस बात का पता हो, लेकिन मेडागास्कर और भारत के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि 88 मिलियन साल पहले की मेडागास्कर भारत का हिस्सा हुआ करता था। मेडागास्कर ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अगर आज दुनिया में कई सारे ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन है जिसके पीछे मेडागास्कर का बहुत बड़ा हाथ है। मेडागास्कर में एक ऐसा पौधा मिलता है जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी ठीक हो जाती है। मेडागास्कर प्रीविंकल वो फूल है जिससे कैंसर से लेकर छोटी बड़ी कई बीमारियां ठीक हो जाती है। इसके अलावा देश में कई सारे ऐसे ऐसे पौधे भी उगते हैं जो कि संजीवनी बूटी की तरह है और लोगों की जान बचाती है। मेडागास्कर आइलैंड को दुनिया भर में रेड आइलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही लाल है। मिट्टी लाल होने का फायदा ये है कि तभी तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत पॉपुलर है। मेडागास्कर में तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और इसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस देश से कई तरह के चावल का भी एक्सपोर्ट होता है, साथ ही फूलों का भी बड़ा एक्सपोर्टर है ये आइलैंड। यहाँ से फ्लावर्स और फ्लावर ऑयल का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होता है। मेडागास्कर से सी फूड का एक्सपोर्ट दुनिया के तमाम देशों में किया जाता है। यहाँ से मछली और केकड़े का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जापान और चीन में किया जाता है। ये इस देश का सबसे बड़ा इनकम सोर्स भी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इसी बिजनेस में जुड़े हैं। साथ ही इस देश ने दुनिया को वनीला का स्वाद भी दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वनीला का। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल वनीला का 60% हिस्सा मेडागास्कर देश से ही होता है। क्या बात है, आज अगर हम सब वनीला फ्लेवर को एंजॉय कर पा रहे हैं तो वो मेडागास्कर की ही देन है। ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ वनीला का ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से उसके अलावा कॉफी, चीनी, शेलफिश, सूती के कपड़े और पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है। कई सारे लोग इस तरह के फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गरीबी बहुत है, आज भी बड़े संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आपको बता दें कि मेडागास्कर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के बच्चे हो या बूढ़े, या फिर महिला हो या पुरुष, सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सब एक जैसे ही कपड़ों में मिलेंगे। दरअसल यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। इस ट्रेडिशनल ड्रेस को स्थानीय भाषा में लांबा कहा जाता है। आपको बता दें कि मेडागास्कर के लोगों का दिल बड़ा ही साफ होता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग भी बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस देश में सबसे कम बाहर से आने वाले लोगों को ठगा जाता है। कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप टूरिस्ट हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा, ना कि आपको लूटने का काम किया जाएगा। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर टूरिस्ट की कमी कभी नहीं रहती है। मेडागास्कर देश को वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है हॉलीवुड की फिल्म शूटिंग के लिए। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम पर ऑलरेडी एक फिल्म भी बन चुकी है? जी हाँ, 2005 में इस फिल्म को रिलीज किया गया और दर्शकों के बीच ये फिल्म खासी पॉपुलर भी हुई। आपको मौका मिले तो आप भी इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, प्रकृति ने मेडागास्कर देश को सब कुछ दिया है। यहाँ ना तो पॉल्यूशन की कोई समस्या है, ना ही पॉपुलेशन की, लेकिन फिर भी ये देश बहुत गरीब है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। कई तो ऐसे भी हैं जो कि एक टाइम ही खाना खाकर अपना काम चला रहे हैं। चूंकि इस देश में गरीबी है और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे में मेडागास्कर के लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत है। यहाँ पर भूत प्रेत को बहुत माना जाता है। यहाँ पर भूतों को पूजने की एक अलग ही परंपरा है और लोग
लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक की बहुत मान्यता है। एक और बात जो कि ये बताने के लिए काफी है कि अभी इस देश को बदलने में बहुत समय लग सकता है, वो ये है कि मेडागास्कर में लाखों की संख्या में लोग HIV बीमारी से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के बाकी देशों की तरह ही मेडागास्कर में भी तमाम तरह की बीमारी है, लेकिन इस देश में भी मेडिकल फैसिलिटी की कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी देशों से कम। यहाँ पर कई सारे रिसर्च हॉस्पिटल्स हैं और हर 2000 आदमी के ऊपर यहाँ पर एक डॉक्टर होता है। और एक चीज जो इस देश में आने वाले टूरिस्ट को बहुत डराती है वो है यहाँ का मच्छर। वैसे तो मच्छर पूरे अफ्रीका में ही आतंक मचा रहे हैं, लेकिन मेडागास्कर किसी से कम नहीं। कहा जाता है कि यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग मच्छर के काटने से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस देश में घूमने का प्लान बनाए, एक बात याद रखें कि यहाँ के मच्छर बहुत जानलेवा है। दोस्तों, मेडागास्कर देश की महिलाएं ज्यादा मेहनती होती है यहाँ के पुरुष के मुकाबले। इस देश की महिलाएं ही सारा काम करती है। यहाँ की महिला मछली पकड़ने से लेकर कंपनी में काम करने तक हर तरह से अपने परिवार को मदद करती है, लेकिन पुरुष नशे के आदि हो चुके हैं और ये ज्यादातर समय अपना नशा करने में ही बिताते हैं। दोस्तों, ये देश खाने का बहुत शौकीन है। मेडागास्कर में नॉनवेज खाने का भंडार है। अगर आपको रेड मीट खाने का शौक है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर दुनिया का सबसे बढ़िया रेड मीट खा सकते हैं। यहाँ के लोग शौक से बकरे का मांस जंगल में ही पकाते हैं, मजे लेकर खाते हैं। इसके अलावा मेडागास्कर एक डिश बहुत ही फेमस है जिसे राइस बॉल कहा जाता है। इसे चिकन के साथ बनाया जाता है। राइस को बॉल की शेप में बनाया जाता है और उसके बाद चिकन के साथ रोल किया जाता है। लोगों के बीच में ये राइस बॉल बहुत पॉपुलर है, तो अगर आप मेडागास्कर जाए तो यहाँ का राइस बॉल टेस्ट करना ना भूले। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश मेडागास्कर। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।